नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले पोको X2 के इंडियन वेरिएंट और redmi k30 के चाइनीज़ वेरिएंट के बीच में देखेंगे दोनों में कैमरा सैंपल में कितना डिफरेंस है और क्या क्या आपको डिफरेंस मिल जाता है। जबकि अगर हम इंडियन वेरिएंट की बात करें तो इसको बहुत ही अच्छी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है। अगर आप क्या चाहते हैं, इस प्राइस पॉइंट से संतुष्ट है, ये सेटिस्फैक्ट है या फिर नहीं, वो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल आपके सामने मैंने दिए हैं, इनसे आप पता लगा सकते हैं कि जो पोको X2 है वो ज़्यादा बेटर है या फिर रेडमी K30 है चाइनीज़ वेरियंट वाला वो बेटर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही कैमरा सैंपल ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं, आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम दोस्तों इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। बट जो डिटेल्स है वो दोनों में इनफ है, जबकि रेडमी K30 है वो थोड़ा सा आपको ब्राइटर मिल रहा है और पोको X2 आपको मिल रहा है क्लोज टू नेचुरल। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट कैमरा सैंपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोको X2 है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स को मेंटेन किया है और अपने जो कलर्स है और डायनेमिक रेंज है दोनों के बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जबकि पोको X2 की दोनों में से मैं कहूँगा रियली काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जबकि रेडमी K30 ने अपनी जो डिटेल्स है उनको तो मेंटेन किया बट जो कलर्स है उनको मेंटेन नहीं कर पाया है। अगर दोस्तों इस कैमरा सैंपल की बात करें तो पोको X2 है वो क्लोज टू नेचुरल है और यहाँ पे क्लियर विनर भी पोको X2 है। इसका मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है जो ऑप्टिमाइजेशन है वो शाओमी ने पोको X2 के लिए बहुत ही बढ़िया से की है और पोको वाले ये भी चाह रहे हैं कि हम इंडिया में इसको अच्छे तरीके से सेल करें, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। अगर दोस्तों इस कैमरे सैंपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर विनर पोको X2 ही है, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोज टू नेचुरल इमेज पिक की है, डिटेल्स को मेंटेन किया है और जो कलर्स है उनको भी मेंटेन किया है। जबकि रेडमी K30 ने कलर्स को तो मेंटेन किया ही है बट थोड़ा सा आपको ओवर एक्सपोज दिख रहा होगा, बट इतना कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी अगर हम देखें तो जो क्लोज टू नेचुरल है वो पोको X2 की इमेज है। इस कैमरे सैंपल की बात करें तो दोस्तों दोनों ही ओवरऑल सेम से हैं, यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है वो मुझे खुद को नहीं पता लग रहा है और ये काफ़ी हद तक सेम सी पिक्चर है, इसलिए हम दोनों के बीच में इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर दोस्तों नेक्स्ट कैमरा सैंपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पोको X2 है वो क्लोज टू नेचुरल, जबकि रेडमी K30 है वो थोड़ा सा वार्म टोन में चला गया है। इससे आपको यही चीज़ पता चलता है कि जो पोको X2 है उसके ऊपर आपको कंपनी ने पूरी ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया है और अच्छे से उन कंपनी वालों ने वर्क किया है, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है, जो कैमरा की क्वालिटी है वो अच्छी मिल जाए। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों जो पोको X2 है वो क्लोज टू नेचुरल होने के साथ साथ डिटेल्स को मेंटेन कर रहा है, जबकि रेडमी K30 है उसने डिटेल्स को ओवर एक्सपोज कर दिया है और डिटेल्स लॉस हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी अगर आपको इमेज है वो अट्रैक्टिव दोनों की ही लग रही है। अगर हम इस इमेज की बात करें तो दोस्तों रेडमी K30 है वो थोड़ा सा आपको वार्म टोन में चला हुआ दिखेगा, बट जो पोको X2 है वो अगेन आपको क्लोज टू नेचुरल मिल रहा है, क्योंकि पोको X2 की हर एक इमेज आपको क्लोज टू नेचुरल मिल रही है। मैं भी सरप्राइज हूँ कि इतनी कम प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा कैमरा पोको वालों ने कैसे दे दिया, मतलब बहुत ही अच्छी आपको इमेज क्वालिटी मिल रही है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम सा है, ज़्यादा डिफरेंस पता लगाना पा रहा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों इस डिटेल में आपको क्या इस इमेज में डिटेल्स में फ़र्क दिख रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियर विनर अगेन पोको X2 है। बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों बैकग्राउंड है वो रेडमी K30 में पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। आशा करता हूँ आज हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो।